नमस्कार, मैं जनबक सुशील पुनिया और आज मैं आपको बताऊंगा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, कौन से किसान अप्लाई कर सकते हैं और कौन से किसानों को 6,000 रुपये सालाना दिए जाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि पहली बार जब इस योजना को लागू किया गया था 2018 के अंदर केंद्र सरकार की तरफ से, मोदी सरकार 1.0 की तरफ से, तब इसमें ऐलान किया गया था कि सिर्फ 2 हेक्टेयर तक जमीन है जिनके, मतलब लगभग 8 बीघा के आर पार जमीन है, वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अभी इसमें बदलाव कर दिया गया है। इस योजना के तहत अब चाहे आपके पास 1 हेक्टेयर जमीन है, चाहे 10 हेक्टेयर जमीन है, सभी किसानों को इस योजना का फायदा मिलेगा। पहली बात तो ये भी, ऐसा कोई किसान नहीं बचेगा जिसके नाम से जमीन है और वो मतलब जिसके नाम से जमीन है और वो इस योजना का फायदा ना उठा सके, ऐसा कोई मैटर नहीं रहेगा। बदलाव इसमें सिर्फ इतना किया गया है, एक तो ये बदलाव हुआ है कि सभी किसानों को मिलेगा, दूसरा बदलाव ये हुआ है कि इसके क्वार्टर हैं वो सेट कर दिए गए हैं, मतलब 1 जनवरी से 31 मार्च तक का, फिर 1 अप्रैल से 30 अगस्त तक का, उसके बाद सितंबर 1 से लेकर के दिसंबर 31 तक का। अगर आप 1 जनवरी से 31 मार्च के बीच में अप्लाई करते हो तो आपको अप्रैल वाले क्वार्टर में मिलेगा, मतलब जिस भी क्वार्टर में आप अप्लाई करोगे इस योजना के लिए, उससे अगला जो क्वार्टर होगा उससे आपको पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। और इसके लिए आवेदन कैसे करना होगा? आवेदन करने के लिए आपको ई मित्र पर जाना होगा। ई मित्र पर जाकर के आप आवेदन कर सकते हैं और ई मित्र पर आपको आपका आधार कार्ड, एक नवीनतम फोटो, आपके बैंक की पासबुक और आपकी जमीन की जमाबंदी जिसमें किला नंबर वगैरह, खसरा नंबर वगैरह वो लिखा हुआ होगा, वो लेके जानी पड़ेगी। आप जमाबंदी जब पटवारी से लेने जाओ तो आपको एक स्लिप भी वहां से वो लिख के देंगे कि आपके हिस्से में इतनी जमीन आती है, ठीक है? जैसे मतलब मेरे जो खाते के अंदर 10 बीघा जमीन है तो वो लिख के देंगे कि 10 बीघा या कुछ बिसवा ऊपर भी है तो वो पूरा का पूरा डिटेल में लिख के देंगे, तो वो लिखवा करके आप पटवारी से जरूर ई मित्रा पर साथ लेकर जाएं ताकि आपको किसी समस्या का सामना है वो ना करना पड़े। अब यहाँ पर एक बात और क्लियर कर देता हूं कि जिस तरह से मतलब ये योजना शुरू की गई है 2018 में, जिस तरह से शुरू की गई है, उस योजना के शुरू होने के बाद वाले जो किसान हैं जिन्होंने जमीन ली है, नई खरीद ली है, ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इस योजना के लिए जमीन खरीद ली है, वैसे ही जमीन खरीद ली है किसी ने, तो उस किसान को इस योजना का फायदा आने वाले 5 सालों तक नहीं मिलने वाला है, ये कन्फर्म है, ठीक है? जो अभी जिन्होंने जमीन खरीदी है उनको 5 सालों तक किसी तरह का कोई फायदा नहीं होने वाला है। और प्लस पॉइंट इसमें ये है कि अगर सरकारी कर्मचारी हैं आप, उसके बावजूद भी आपके पास जमीन है तो भी आपको 6,000 रुपये मिलेंगे, ये कन्फर्म हो गया है। भी किसी तरह कोई सरकारी है या फिर कोई नेता जो कोई भी है, अगर वो अप्लाई करता है सरकारी जॉब वाला, तो उसको 6,000 रुपये मिलेंगे। और ये 6,000 रुपये मिलेंगे वो 3 किस्तों में मिलेंगे, 2-2 हजार रुपये की 3 किस्तें हैं वो सरकार द्वारा दी जाएगी। मोदी सरकार 2.0 ने ये बड़ा फैसला है वो किसानों के लिए लिया है। अब बात करते हैं कि अप्लाई कैसे करें, जैसे ई मित्र वाले कैसे करें अप्लाई। अगर आपको सीखना है कि आपको अप्लाई कैसे करना है ई मित्र पर, तो ऊपर आई बटन वाली वीडियो है, उसमें मैंने डिटेल से बताया हुआ है कि आपको किस तरह से अप्लाई करना है, कौन सा कॉलम आपको किस तरह से भरना है, इसकी पूरी डिटेल ऊपर आई बटन वाली वीडियो में दी गई है, आप वो वीडियो देख करके चेक कर सकते हैं। अब मैं बताता हूं कि जो एक परिवार है, सपोज करो इसमें एक जो परिवार के मामले में बताया गया वो ये बताया गया कि पति पत्नी और 18 साल से कम उम्र वाले इसमें इंक्लूड होंगे, मतलब उनको ये पैसा है वो दिया जाएगा। जैसे सपोज करो कि आप, एक राशन कार्ड है आपका, आपके पापा के नाम 10 बीघा जमीन है, आपकी मम्मी के नाम 5 बीघा जमीन है और आपके नाम 5 बीघा जमीन है, मतलब तीन तीन मेंबर हो आप परिवार के अंदर और आपके टोटल 20 बीघा जमीन है, जिसमें से 10 बीघा पापा के नाम आपके और 5 बीघा आपकी मम्मी के नाम और 5 बीघा आपके नाम। तो उसमें अगर आप 18 साल से ऊपर के हैं तो आप तीनों को उस योजना का फायदा मिलेगा, क्योंकि आपके मम्मी पापा 18 साल से ऊपर होंगे ही होंगे और आप भी 18 साल से ऊपर होंगे तो आप तीनों को इसका फायदा मिलेगा।
अगर 20 बीघा जमीन में से आपके नाम भी 5 बीघा, आपके मम्मी के नाम 5 बीघा, 10 बीघा आपके पापा के नाम, और आपकी उम्र 18 साल से नीचे है, तो आपके मम्मी और आपके पापा सिर्फ दो ही लोगों को इस योजना का फायदा मिलेगा। अगर आपके ना आपके 20 बीघा जमीन है, अकेले आपके पापा के नाम है, और आप सोच रहे हैं कि मतलब अभी अलग अलग खाते करवा लिए जाएं, जैसे 3-4 खाते आपके मम्मी के नाम भी हो गया, एक खाता आपके नाम हो गया या आपकी सिस्टर के नाम हो गया, इस तरह से 3-4 खाते करवा लिए जाएं ताकि 6-6 हजार रुपए तीनों चारों को आए। तो मैं यहां भी आपको क्लियर कर देता हूं कि अगले 5 सालों तक उस बंदे को खाता अलग करवाने के बाद अप्लाई नहीं कर सकता है इस योजना में। मतलब अभी अगर आप खाता अलग करवाते हो तो 5 साल बाद आपको इस योजना का फायदा मिलेगा, अभी आपको नहीं मिलेगा अगर आप खाता अलग करवाते हैं तो। ठीक है, ये बात भी क्लियर हो गई। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताई दिए, आधार कार्ड और बैंक की पासबुक होना बहुत जरूरी है, एक पासपोर्ट साइज फोटो, और ये जो जमाबंदी है वो तो चाहिएगी, जिसमें किला नंबर वगैरह, खसरा नंबर वगैरह टोटल लिखा हुआ होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप खुद अप्लाई नहीं कर सकते हैं, इसकी वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं या एसएसओ आईडी बनाकर भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन दी बेस्ट जो सिस्टम है वो ये है कि आप अपने नजदीकी ई मित्र पर जाके करवाएं। और एक बात और बता देता हूँ कि ई मित्र पर अगर आप करवा रहे हैं और राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो आपको भामाशाह कार्ड भी साथ लेकर जाना होगा। भामाशाह कार्ड साथ लेके जाओगे तो जैसे ही आपके भामाशाह कार्ड की डिटेल उसमें फिल की जाएगी तो टोटल का टोटल डिटेल, आपके परिवार के पूरे सदस्यों की डिटेल है, वो ऑटोमेटिक उसमें फिल हो जाएगी। मतलब सॉरी सारे कॉलम्स हैं ऑटोमेटिक आ जाएंगे भी, फलाना फलाने बंदे का ये परिवार है और इनकी जो खाता नंबर है वो ये है, बैंक अकाउंट नंबर ये है, इनका आधार कार्ड नंबर ये है, मतलब अलग अलग बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अदर स्टेट वाले हैं वो राशन कार्ड अपने साथ लेकर के जाएं आवेदन करवाते वक्त, ताकि मतलब आवेदन करने वाले को प्रॉब्लम ना हो। आप खुद भी इसकी वेबसाइट से अप्लाई कर सकते हैं और एसएसओ आईडी बना करके कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट तरीका यही है कि ई मित्र पर जाके करवाएं, क्योंकि ई मित्र पर करवाने का फायदा ये होता है कि ई मित्र द्वारा जो फॉर्म फिल किए जाते हैं उनको प्राथमिकता ज्यादा दी जाती है। ठीक है, क्योंकि वो ई मित्र वाला एग्जाम दे करके अपना ई मित्र लेता है तो उस बंदे को फॉर्म फिल करना आता है, ये बात अधिकारी अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए उन ई मित्र वाले फॉर्मों को पहले प्राथमिकता है वो दी जाती है। सपोज करो कि 100 फॉर्म नॉर्मल ई मित्र वाले से आए हैं और 100 फॉर्म जो घर वालों ने खुद भरे हैं, जैसे मैंने खुद ने आवेदन किया या आपने खुद ने आवेदन किया है, तो उन 100 फॉर्मों को पूरा चेक किया जाएगा। हालांकि ई मित्र वाले 100 फॉर्मों को इतना प्राथमिकता ज्यादा दी जाती है इसलिए ज्यादा चेक नहीं किया जाएगा, क्योंकि उनको पता है कि इस बंदे ने ऑनलाइन फॉर्म भरने से आते हैं, इसने एग्जाम दे करके ई मित्र लिया है तो इसमें कोई गलती नहीं हो सकती। इसलिए मेरी राय यही है कि आप ई मित्र पर जाकर के आवेदन करवाएं। ठीक है दोस्तों, अगर फिर भी आपके मन में किसी तरह का कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, किसी भी तरह का कोई सवाल है, मेरे हिसाब से कोई बचा नहीं है। मैंने टोटल आपको क्लियर कर दिया कि 6 हजार रुपये मिलेंगे, 2-2 हजार की 3 किस्तें मिलेंगी, 1 जनवरी से 31 मार्च के एक क्वार्टर होगा, दूसरा क्वार्टर 1 अप्रैल से 30 अगस्त के बीच में होगा, और चौथा तीसरा क्वार्टर है वो 1 सितंबर से लेकर के 31 दिसंबर के बीच का होगा। ठीक है, अभी जो अप्लाई करेंगे उसको अगले क्वार्टर के अंदर पैसा मिलेगा। और एक बात यहाँ और क्लियर कर देता हूँ कि जिन राज्यों के अंदर या जिन्होंने पहले अप्लाई नहीं किया था, यो योजना जब भी चालू हुई थी उस टाइम अप्लाई नहीं किया था, उनको पिछली जो 1 किस्त है वो नहीं मिलेगी, लेकिन अभी आप अप्लाई कर दोगे तो अगले क्वार्टर की किस्त आपको मिल जाएगी, पिछली किस्त है वो नहीं मिलेगी। और जिन राज्यों की लिस्ट यहाँ से नहीं भेजी गई थी केंद्र सरकार को, मोदी सरकार को, जैसे राजस्थान में नहीं भेजी गई थी, राजस्थान गहलोत सरकार ने किसानों की लिस्ट है वो पूरा विवरण है केंद्र सरकार को नहीं भेजा था, इस वजह से उनकी जो पहली किस्त या दूसरी किस्त जो भी है वो रुक गई थी उस वजह। अब वो रुक गई थी तो वो नहीं मिलेगी, अब कन्फर्म है, वो कन्फर्म हो चुका है। जो इनकी फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग हुई है मोदी सरकार 1.2.0 की, तो उसमें उन्होंने कन्फर्म कर दिया है कि पहले वाले जो अगर नहीं मिली है तो वो आपको नहीं मिलेगी। ठीक है दोस्तों, मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करें, अगर आपको किसी तरह कोई सवाल है तो कमेंट में पूछें, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे भी मोदी सरकार की नई नई योजनाओं के बारे में जानकारी आपको बताता रहूंगा। और अगली जो मैं वीडियो लेकर के आ रहा हूँ वो है सौभाग्य योजना। सौभाग्य योजना के तहत आप बिजली कनेक्शन फ्री में ले सकते हैं, उसकी वीडियो मैं जल्दी लेकर के आऊंगा। ठीक
ठीक है, तो उसको उसको देखने के लिए आप सब्सक्राइब के पास वाला बेल आइकन है वो जरूर दबा लें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले नई वीडियो, नई अपडेट, नई न्यूज, नई योजना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।